नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल। दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर साथ बेल आइकन जरूर जरूर प्रेस कर ले। मौसम विभाग से रिलेटेड किसी भी राज्य की दोस्तों न्यूज आते हैं तो हम सबसे पहले आपके सामने लेके आते हैं। साथ में दोस्तों शिक्षा और रोजगार से संबंधित किसी भी राज्य की न्यूज आती है तो वो भी हम सबसे पहले आपको अपडेट करवाते रहते हैं। तो दोस्तों आज स्टूडियो में बात करने वाली, आज है 11 मई। दोस्तों 11 मई और 12 मई को किन राज्यों में भयंकर तूफान आ सकता है? दोस्तों मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों साथ में आप का मानसून है वो कब तक पहुंचने वाला है, ये भी सारी जानकारी दोस्तों स्टूडियो में आपको बताने वाला हूं। किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि मानसून कब तक आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए, साथ में वीडियो लाइक जरूर कर दे। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर ले, क्योंकि दोस्तों आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों मौसम विभाग से रिलेटेड किसी भी राज्य की न्यूज आती है तो हम सबसे पहले आपके सामने लेके आते हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों आप यहां देख सकते हो इन इलाकों में बदलेगा मौसम का मिजाज, जानिए 15 मई तक के मौसम काल। जी हां दोस्तों, 15 मई तक का जो मौसम है उसका क्या अनुमान है? मौसम विभाग के द्वारा कई जगहों पर कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। दोस्तों मैं सारी बातें स्टूडियो में बताने, सबसे ऊपर आप यहाँ देख सकते हो दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी मतलब NCR सहित पूरे भारत के कई दिनों से तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया था। उत्तर भारत के कई भागों में प्रचंड गर्मी का भी कहर जारी है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित पूरे भारत के कई दिनों से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चल रहा है। भारतीय मौसम विभाग है उसके मुताबिक शनिवार मतलब आज 11 मई से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने के आसार है। इस दौरान गरज के साथ में जो बादल बनेंगे और धूल भरी आंधी भी चलने वाली है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से बूंदाबूंदी की भी संभावना है। 13 से 15 मई को दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद के अलग अलग भागों में हल्की बारिश हो सकती है। उसके साथ में दोस्तों आप यहां देख सकते हो, सारी न्यूज में आपको बता देता हूं, राष्ट्रीय राजधानी वायु प्रदूषण शुक्रवार को मामूली गिरावट दर्ज की गई। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान के अनुसार ने बताया कि उत्तर पश्चिमी भारत में धूल भरी आंधियां चलने से उत्तरी पूर्वी जो भारत है वहां पर, उत्तरी पश्चिमी भारत है वहां पर धूल भरी आंधियां चलने के कारण यहां पर मौसम विभाग ने जो वायु प्रदूषण है वो जारी कर दिया गया। दोस्तों साथ में देखते हैं और स्टेटों की न्यूज़। तो देख सकते हो दोस्तों किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, गर्मी से मिलेगी जल्द राहत, इस महीने से होगी जमाजम बारिश। इसके आगे आप यहां देख सकते हो भारत जो मौसम विभाग है उसका कहना है कि एल नीनो की स्थिति कमजोर बनी हुई है, इसके आगे की बढ़ने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। मॉनसून को लेकर बड़ी खबर आई है, भारत का जो मौसम विभाग है उसका कहना है कि एल नीनो की स्थिति कमजोर हुई है, इसके आगे बढ़ने की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। अगले कुछ महीनों में यह और कमजोर हो तो अगर ऐसा होता है तो देश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि मानसूनी बारिश का सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। मौसम विभाग के अनुसार इस मानसून की सीजन में देश में लंबी अवधि तक औसत की 96% बारिश है वो होने की संभावना है। इसके पहले आशंका थी कि एल नीनो की वजह से मानसून पर असर पड़ सकता है। मौसम विभाग मानसून का अगला अपडेट जून के पहले हफ्ते में जारी कर दिया जाएगा। तो आप यहां देख सकते हो अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ने वाला है मानसून का। मानसून का सीधा असर ग्रामीण आबादी पर पड़ता है। मानसून सामान्य और अच्छा रहने से ग्रामीण इलाकों में लोगों की आय बढ़ती है जिससे मांग में भी तेजी आती है और ग्रामीण इलाकों में आय बढ़ने से इंडस्ट्री में भी फायदा मिलता है। उसके अलावा दोस्तों